की पहचान ना हो। इस सनसनी खबर से पूरे शहर में हड़कंप मचा। जब लाश सामने पांडुरना हाईवे के पास लोगों को दिखी, पता चला है कि खुशी मॉडलिंग करती थी। लाश की शिनाख्त उसके शरीर पर के दो टैटू और सोशल मीडिया के जरिए हुई। तब क्राइम ब्रांच की पुलिस ने मृतक का युवती के बॉयफ्रेंड हत्यारे को भी गिरफ्तार में ले लिया। उसने हत्या की भी कबूली दे दी है। युवती हिंगना रोड डिग डोहा निवासी खुशी परिहार बताया गया है। पकड़ा गया आरोपी अशरफ शेख गिट्टी खदान का रहने वाला है। अशरफ का झिंगाबाई टाकली में कट जो नाम का सैलून भी है। बताया जा रहा है कि आरोपी का पिता अफसर शेख गांजा विक्रेता है। पुलिस ने युवती के घर संपर्क किया तो पता चला कि खुशी पिछले कई वर्षों से अपने माता पिता से अलग रहती थी। कुछ महीने पहले ही उसने गिट्टी खदान के वेलकम सोसाइटी में प्लॉट किराए से लेकर वहां रहती थी। यहां पे बताया जा रहा है कि खुशी अपने मौसी से सारे बातें शेयर करती थी। खुशी ने अपने हाथ और छाती पर टैटू बनवाए थे। छाती के टैटू में क्वीन लिखा था, वही हाथ के टैटू पर अंग्रेजी में खुशी और आशु एक साथ लिखवाया था। इस केस में गिरफ्तार अशरफ ने पुलिस को बताया कि 5 महीने पहले खुशी के साथ दोस्ती हुई थी। कुछ ही महीनों में ही हम दोनों शादी करने वाले थे। खुशी ने तो अपने नाम के आगे मिसेज शेख लिखना भी शुरू कर दिया था, लेकिन खुशी की दूसरे लड़कों के साथ दोस्ती और घूमना अशरफ को पसंद नहीं था। लेकिन खुशी अशरफ की बात नहीं सुन रही थी। शुक्रवार रात एक ढाबे पर खाना खाने के बाद दोनों सामने रोड से पांडुरना हाईवे की तरफ अशरफ की कार से जा रहे थे। गाड़ी में ही दोनों के बीच विवाद हुआ। अशरफ ने उससे मारपीट की। बाद में उसे रास्ते के किनारे खाली जगह पर लेकर वहां पत्थर से सिर कुचल दिया, ऐसा अशरफ ने पुलिस को बताया। अब पुलिस इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि इस हत्या में अशरफ के अलावा और भी कुछ लोगों का हाथ है या नहीं। तो इससे जुड़ी अगली खबरें देखने के लिए देखते रहिए MNS News Life। धन्यवाद।